बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल जंग रंग तो मैं अंसर खान बलोच हाँ। आज मैं तुहाडी मुलाकात जिस शख्सियत दे नाल करवाना चाह रहा हाँ, उस शख्सियत किसी भी तारफ की मोहताज नहीं। साडे नाल मौजूद हैं साहिबजादा वकार सुल्तान साहब। तुहानू सर किवें ख्याल आया कि इस सोशल मीडिया वाले पासे तुहानू जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सारे तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा कर सां कि तुसां मैंने इस काबिल समझा। माशाल्लाह तुहाडी भी काफ़ी मेहनत हैं इस तुहाडे चैनल नाल, काफ़ी वेखदे रहने हैं। तुहाडा भी बहुत शुक्रिया तुसां सानू मौका दिता। बाकी जनाब सोशल मीडिया तो इस तरह है कि मेरा क्योंकि प्रोग्राम रोज़ाना बेसिस तुसां वेखदे हो कि मेरा आवण वञण लोगों के विच एक दोस्ती का एक जड़ा सिलसिला है, या मुरीदैन का, या एक सोशल जितने भी हैं वो ईवेंट्स होंगे जनाब, उन्होंने वीडियोज़ साढ़े जड़े लड़के साड़ी टीम होंगी है ये वीडियोज़ बना के कभी अपना यूट्यूब पर चाड़ देंगे, कभी फेसबुक से, कभी अपना टिकटॉक से। कोई स्पेशल इस तरह का कोई प्लान कोई नहीं कि असा सोशल मीडिया से आ के ये करना है या कोई अर्निंग करनी है या कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं जी। बस ये अपने साढ़े टीम है चार पाँच लड़किया की, ये बस वीडियोज़ बना ही रखते हैं तो बस चाड़ी रखते हैं। बाकी सानू नहीं पता भी वो किस तरह लोग उसनू लै रहे हैं या नहीं लै रहे या के मामलात हैं। बाकी बाकायदा तौर पर इसका वो कोई नहीं भी ऐसा इस नीयत ना लाया से कि सोशल मीडिया पर जाके फेमस होना कोई ऐसा चक्कर। तुहानू सर कदों पता लगा कि तुसी ते सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो, लोग तुहाडी ते फैन फॉलोइंग लखां दे विच पहुँच गई? सर पता तो साफ जाहिर है जेल्ले बाहर निकलते हैं जी, पता लग जाता है जी। जिस टाइम किसी भी अपने शहर तो बाहर जाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि मैं लास्ट कुछ दिन पहले दुबई गया, एयरपोर्ट से लोग मिले, मतलब ये कि वो कोई सेल्फियाँ लेंदे, कोई किस तरह, मतलब इस तरह आखिर फील तो हो ही पैंदा ना ये चीज़ा जी। सर असी वेखते हैं कि तुहाडा जिहड़ा सर प्रोटोकॉल है ना, वजीर आजम पाकिस्तान तो बाद अगर किसी बंदे का प्रोटोकॉल है तो वो तुहाडा सानू लगता है, इतना प्रोटोकॉल सर क्यों लेंदे हो तुसी? नहीं नहीं मेरी जान, मैं सच्ची गल तो यह है कि मैं जाती तौर पर ना जी ये प्रोटोकॉल तो इन चक्करों तो थोड़ा दूर हाँ, लेकिन ये कि दोस्तों की बड़ी, क्योंकि मेरे नाल इतों साढ़े इलाके दे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जेड़े मतलब मेरे नाल ही आखते हैं भी जो कि निकले दे इकट्ठे निकल सें तो बस वो दो चार मतलब गार्ड शार्ड साढ़े नाल होंगे तो पिछू दोस्तों की गड़िया ही नाल तो एक काफिला बन पैंता तो लोगों ने यो लगता भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो सिस्टम जी। सिक्योरिटी वगैरह होंगी है नाल वो तुहाड़ी जाति नहीं होंगी बल्कि तुहाड़े दोस्त का बाप जो तुहाड़ा कोई कान वायर चलता है उन्होंने नाल कुछ रल गया, कोई तुहाड़े नाल रल गया, इस तरह मालूम होता जी कोई बड़ा वड्डा प्रोटोकॉल जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह जी, मतलब मेरे नाल तो बस एक दो बंदे जो मेरे शुरू तो मेरे नाल होंगे जी वो होंगे, बस जो दोस्त नाल आते हैं साफ जाहिर है उन्होंने भी लोग होंगे वे प्रॉपर एक 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 इन समझो कि चैन बनती गई काम चलता है। बाकी ये तुम पता है आप भी अज जे हालात हैं इस तरह का मेरे ख्याल वजीर आजम भी अफोर्ड नहीं कर सकता जना जी पोजिशन है जी। अगर तो इन गड्डिया काउंट करो भी पी पी त्री त्री गड्डिया की लाइन है तो इस तरीके एक बंदा तो मेरे ख्याल नहीं अफोर्ड कर सकता। त्री गड्डिया की लाइन एक गड्डी तुम्हारी आँदी है, 29 गड्डिया दोस्तों की आँदी है, समझ लो। अच्छा साहबजादा साहब तुहानू तो माशाला अल्लाह ताला ने तुहानू बहुत माल और दौलत दिता है, तुहानू तो जरूरत नहीं कि तुसी सोशल मीडिया तो कमाओ, फिर भी कोई सोशल मीडिया तो अर्निंग हो रही है तुहाडी? नहीं बिल्कुल, मैं इस दे बारे तुहानू दसदा भी मेरी जिहड़ी टीम है ना जी ये जिहड़े लड़के इत्थे काम कर रहे हैं तो बस उन्हां दा साफ जाहिर है उन्हां करना होंदा है बेसिकली उन्हां दा जिहड़ा एक अपना परपज होंदा है भी वह विचों कर रहे हैं जी कुछ मेरे ख्याल यूट्यूब तो या टिकटॉक तो उन्होंने हो रहा है जी। तुहाडी टीम जिहड़े लड़के तुहाडे नाल आउंदे ने वो अर्निंग कर देन तुहाडी वीडियोज़ दे जरिए तुसी अपना खुद कर देन और उन्होंने मिलता है और ये कोई झूठ नहीं और उन्होंने उन्होंने सिस्टम चल पैंदा उस नाल जिहड़े साढ़े लड़के हैं। तुहानू सारे इतराज़ नहीं होंदा कि यार तुसी मेरी वीडियोज़ ला के ते पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं इतराज़ तो ता होवे ना जनाब भी अगर मैं मतलब वो आखिर साड़ी भी तो उस चीज़ दे विच हो रही है ना जी भी लोगों को वो विखा रहे हैं साड़ी मतलब हर एक्टिविटी जी मतलब ये असा लोगों वास्ते कर रहे हैं अलहमदुल्ला हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद लोगों के बच्चे एक गरीब लोगों के बच्चे राशन तकसीम का सिलसिला है या मतलब उन्होंने पैसों की तकसीम होंगी या कोई भी होंगे तो वो सोशल मीडिया पर विखा रहे हैं ना जी उस चीज़ का तो मेरे ख्याल मैंने इतराज़ है भी कोई ना और ना हो सी इंशाल्लाह जी। सर मैं वेखिया है बल्कि असी वेखिया सोशल मीडिया से माशाल्लाह तुसी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक घूम रहे होंगे हो, यह तुहानू कोई स्पॉन्सर्ड करता है या अपने खर्चे ते जांदे? मेरी जान इतना स्पॉन्सर कौन कर सकता है जी,
आखिर साहब जी अरे हूँ हर हफ्ते दो बार जो असा गए खलोते हैं कौन इतना सड़ सकता जी भाई अपना इं बस पाकिस्तान ही तो हूँ मेरे ख्याल कोई ऐसी जगह रह कोई नहीं गई ना वे हाँ हर जगह ती गए हैं तो हूँ बस दिल नहीं आखता बस घूम फिर लिया सारा और जिदा कोई मूड छूट बने तो बस आउट ऑफ कंट्री चले गया दो चार दिन दस दिन फिर टुर गए तो वापस आ गए तुहाडी जिहड़ी परसनैलिटी है ना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त और अट्रैक्टिव परसनैलिटी है कभी इसका कोई फायदा भी उठाया है किसी ने कोई तुहानू तंग शंग की तो वे किसी फैन ने जी साहबजादा साहब मैं तो तुहानू वे कि बस हूँ मैं तो कोई शायद चंगी भी नहीं लग रही कभी होया कोई ऐसा तुहाडे नाल नहीं तकरीबन हो पैंदा मोस्टली लेकिन ये कि बस अपने उत्ते डिपेंड करता है ना जी बंदा आगू किस तरह नीयत किस तरह ये भैया के मामलात हैं बाकी इस तरह के मामलात एक मेरे नाल नहीं ये जितने भी क्योंकि मैं जी चीज़ महसूस की थी है ये हर कह नाल होंगे हर बंदे नाल ही मामलात होंगे फिर किस तरह डील किस तरह कर दे उन्होंने माफ़ी मांग लेंगे या की कर दे सॉरी कर मैं तुम पहले भी गल की अपनी नीयत से डिपेंड करता है अगर नीयत ठीक है तो मेरे ख्याल है दुनिया की कोई भी ताकत तुम जो है चाहे जो मर्जी कोई जियो जम बंदा हो खराब नहीं कर सकता जे तक तो खुद खराब नहीं ये दसो कि तुहानू वैसे तो तुहाडा जिहड़ा खानदान है वह एक मजहबी खानदान के तौर पर याद किया जाता है कभी कोई मौसीकी वगैरह के नाल तुहानू कोई शगफ होवे कोई मेहदी हसन कोई वहीद उसका कोई अहमद रुश्दी का कोई गीत या अजकल के जिहड़े गीत हैं कभी वैसे गुनगुनाए होवे या कोई मतलब शौक के नाल सुने होवे नहीं कोई इतना खास कोई नहीं मैं मतलब इन्हां चीज़ों को इतना पसंद नहीं करता हाँ ये कि आवाज़ की कदर कर दी है किसी की अगर अच्छी आवाज़ होवे तो उन्होंने मतलब सुन लवी कभी कदम बाकी है कि मैंने कोई इतना ना इतना याद रहा है एक बार सुन लवी दूसरी दफा पता ही नहीं पाया कि आखिर पहली लाइन केड़ी आई तो दूसरी केड़ी ये भी याद नहीं लेकिन एक अच्छी आवाज़ हो उसकी कदर कर मतलब कल्या बह के थोड़ा जहा गुनगुना ली कोई किसी ने याद करके बिल्कुल कोई ऐसा चक्कर कोई ऐसा वाकया जो अज भी याद हो यार ए वाक्य मैंने नहीं भुलाया वाकयात तो ऐसे बहुत सारे लेकिन जरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया जड़ा गुजरे है जड़ा मेरे ख्याल आखिरी सांस तक याद रहा सी वो साढ़े वालदा का जड़ा वाकया साढ़े नाल गुजरे है वो मेरे ख्याल कभी ना भूल सी भी उन्होंने ना साड़ी बहुत ज़्यादा मुहब्बत है इतनी कि अस मेरे ख्याल लफ्जा बयान भी नहीं कर सकते वो जड़ा साढ़े नाल सानिया होया ना जी वो कभी भी क्योंकि साड़ी वालदा अलहमदुल्ला मतलब अजय तक बिल्कुल ठीक हैं बस ये कैंसर एक ऐसी बीमारी थोड़े सामने कि आई तो बस वो पता ही नहीं चलिया तो साढ़े हाथों चू ही चले गया जी वो बहुत बड़ा वाकया है जी वो नहीं भूल सकता बाकी तो जिंदगी के मामलात जोड़े हैं छोटे मोटे वो तो बस पता ही रहते हैं सानू बज़ाहिर तो इंज लगता है कि साहबजादा साहब माशाल्लाह बड़े खुशहाल हैं बड़े खुश अखलाक हैं बज़ाहिर तो लगता है जी इन्हों कोई कमी नहीं लेकिन क्या जिंदगी दे विच कोई ऐसी ख्वाहिश जिहड़ी तुहाडी पूरी ना होई होवे और तुहानू अज भी होवे कि यार मेरी यह ख्वाहिश कदी पूरी हो जाए हाँ ये चीज़ बिल्कुल बड़ी अच्छी गल है तुहाडी मैं जाती इस टाइम जिहड़ा टाइम चल रहा जी इस दे विच एक चीज़ फील करदा कि काश जिहड़ा ये टाइम है मेरी वालदा वेख के वेंदे जी मैं क्योंकि बेसिकली साडा खानदान अलहमदुल्ला बहुत बड़ा खानदान है लेकिन यह है कि अस उस स्टेज पर ना हसे जिस देते अज हैं तो मैं मेरी ख्वाहिश हाई जिंदगी दी बहुत बड़ी आई कि अल्लाह ताला साड़ी वालदा नू इतना टाइम दें दे कि वो ये आला भी माहौल सारा सिस्टम ये वेख के वेंदे तो ज़्यादा हो ख्वाहिश है बाकी तो अल्लाह ताला खैर करन जी साहब असी वेखिया कि तुसी जितने फेमस हो जितने मशहूर हो तुसी सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हो कभी असी वेखने कि तुसी गरीबों नू राशन दे रहे हो कभी वेखने कपड़े दे रहे हो ईवन के कभी तुसी नकदी भी दे रहे होंगे हो ये तुसी खुद अफोर्ड करते हो या दोस्त अहबाब तुहानू देंदे ने ते तुसी अगे डिलीवर कर देंदे नहीं मोस्टली तो मैं खुद ही करदा जी लेकिन ये कभी कदा कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जेडे आखते हैं भी यार ये मतलब साड़ी तरफों है तुसा जदन भी करो तो साडा भी हिस्सा विच लाजमन रखना है तो बस वो लोग कोई बाहर रहिंदे ने कोई यूके तो कोई कितों तो कोई आख दे तो जनाब उन्हों का भी नाल ऐड कर लियो लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होंगी है कि बस ये अस अपनी तरफ ही करिए जी साहब जो बंदा मशहूर हो जाता फेमस हो जाता है तो कुछ मनफी चीज़ा भी उसके नाल जुड़ जा मसलन तुम जा रहे हो आउटडोर जा रहे हो तो लोग तुम्हें तुम रोक लेंदे या परेशान कर दें जी मिलना चाहते हैं जी थोड़े नाल सेल्फी बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के नाल थोड़ी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है इवन कि तुम्हें लोग कॉल करते हैं थोड़ा नंबर लैके जितने सर जी तुम फेमस हो क्या तुम परेशान भी हो अपनी इस मशहूरी क्योंकि यार वो मेरी जी सुकून आई वो लोगों की वजह तो बर्बाद हो जाओ
नहीं परेशानी तो वाकई है। बेसिकली मैं तो दसा कि राती मतलब है कि रात सुकून वास्ते होंगी है, लेकिन साढ़े वास्ते टेंशन ये है हूँ साढ़े नंबर बंद है, साढ़े नंबर बंद है, लोग तो कॉल कर दे रात में 2-2 बजे फोन करके तो भाई बड़ा लगता है भी पता नहीं इस टाइम किस का फोन है, जिस टाइम बंदा फोन सुनता तो पूछते हाँ जी क्या हाल चाल है तो खैरियत है वीडियो देख के जी मैंने बड़ी अच्छी लगी है जी रात में बड़े अजीब गरीब बस इस वजह तो ना जी वो चीज़ा तो खैर बहुत ज़्यादा और प्राइवेसी तो इस तरह की डिस्टर्ब हुई है कि कभी हूँ फैमिली नाल ही कि थी बाहर जा भी है ना जी तो खतरा ये होंगे भी कोई लोग वीडियो ना बना लवन तो उस दिन हूँ कभी इन्ना फैमिली नाल गए हैं ना कोई वो चीज़ा खत्म हो गई हैं जी बिल्कुल इन्हें समझो कि वो जीरो लैवल पर आ गई कम जी प्राइवेसी तो खत्म जी साहब मैरिड लाइफ गुजर रही है या बैचलर लाइफ गुजर रही है मैरिट मैं तो सर मेरे तो जेड़े ही दोस्त है ना जी वो मेरे सारे पर नहीं गया बाकी तो सर रह गए रह मैं ही गया लेकिन ये है कि उस दा मैं तो अपने आप दे विच ये चीज समझदा कि जेड़े साडे दोस्त है ना जो मेरे नाल बैठे होंदे तो उन्होंने फोन आंदे तो हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई झूठ बोल रहे होंदे अस आए पहुंच रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं इधर मैं समझदा कि अल्लाह ताला मैं बस अपनी जगह ठीक रखे हुआ ना कोई झूठ बोलना पाता ना कुछ बस सुकून दी जिंदगी इरादा है इरादा साफ जहर आखिर शादी तो करनी है जी कोई लव मैरिज कर सो या अरेंज मैरिज कर सो अल्लाह ताला दी मर्जी जी वेखो टाइम दो ते अजे तक कोई ऐसा प्लान कोई नहीं लेकिन इंशाल्लाह जल्दी कोई जेड़ा ही होया जी कदों तक बस इंशाल्लाह साल 2 साल दिलाल अपनी शोहरत नु एंजॉय करना चाहंदे नहीं होर कितना एंजॉय कर सके बस हो गया जेड़ा कुछ होना है बहुत शुक्रिया तुसी आज सानू जंग रंग नु टाइम दित्ता असी तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुसी सानू टाइम भी दिता साढ़े नाल गुफ्तगू की नाजरीन अज असी गुफ्तगू की साहबजादा वकार सुल्तान साहब बहुत मशहूर शख्सियत हैं सोशल मीडिया के आइकन हैं और काफ़ी लोग इन्हों इस्तेमाल करके अपनी शोहरत हासिल कर दें और अज साडे जंग रंग के मेहमान हैं इस वीडियो के हवाले नाल अगर तुसी अपनी राय का इजहार करना चाहते हो कमेंट सैक्शन के अपनी राय का इजहार कर सकते हो जंग रंग तो अंसर खान बलोच को इजाजत दियो अल्लाह।